पिछले वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा और उसके तीन चार समीकरण हो गई थी। संयोजन अभिक्रिया में आपको बताया था कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। जब दो या दो से अधिक अभिकारक या क्रियाकारक मिलकर के एकल उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है या दहन करते हैं मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है 2Mg+O2 2MgO। जिंक है, इसका ऑक्सीकरण या दहन करते हैं तो जिंक ऑक्साइड बनाता है। तो ऐसी जो अभिक्रियाएं है, कार्बन का दहन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसमें दो क्रियाकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसके बाद में हम पढ़ रहे थे वियोजन अभिक्रिया, और वियोजन अभिक्रिया के तीन प्रकार बताए थे। एक तो था ताप वियोजन, ताप अपघटन या ताप वियोजन, इसको उष्मीय वियोजन भी कहते हैं। दूसरा प्रकाश वियोजन या प्रकाश अपघटन, और तीसरा विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन, विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन। ताप वियोजन में इसकी परिभाषा बता दी गई थी कि जब यौगिक को ऊष्मा दी जाती है, यौगिक को ऊष्मा देने पर वह छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है या अपने अवयवों में विभक्त हो जाता है, तो इसे उष्मीय वियोजन कहा जाता है। इसकी परिभाषा में आपको बताया था कि यौगिक को ऊष्मा देने पर छोटे छोटे अणुओं में टूटना या वियोजित होना उष्मीय वियोजन कहलाता है। इसकी समीकरण एक तो आपको बताई थी कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फेरस सल्फेट का वियोजन, तो Fe2O3 आयरन ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। एक आपको बताया था पोटेशियम क्लोरेट 2KClO3, इसका वियोजन, तो 2KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। ये वियोजन अभिक्रिया में उष्मीय वियोजन में कल ये हो गया था। इसके बाद में है प्रकाश वियोजन। इसमें हमने यौगिक को ऊष्मा दी थी तब छोटे छोटे अणुओं में टूट रहा था, और प्रकाश वियोजन में प्रकाश ऊर्जा ग्रहण करके यौगिक का छोटे छोटे अणुओं में टूटना प्रकाश वियोजन कहलाता है। प्रकाश ऊर्जा ग्रहण करके यौगिक का छोटे छोटे अणुओं में टूटना, प्रकाश ऊर्जा ग्रहण करके यौगिक का छोटे छोटे अणुओं में टूटना प्रकाश वियोजन कहलाता है। जैसे सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर क्लोराइड, तो ये सिल्वर अर्जेंटम और क्लोरीन इनमें वियोजित हो जाता है। वियोजन अभिक्रिया में जो एक या एकल अभिकारक है वो दो या दो से अधिक उत्पादों में वियोजित हो रहा है। सिल्वर ब्रोमाइड है 2AgBr, यहाँ पे लिख देना प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, या सनलाइट लिख दो सूर्य का प्रकाश, तो 2Ag+Br2 ब्रोमीन। और उदाहरण है HBr, 2HBr सूर्य का प्रकाश, H2+Br2। तो इस प्रकार के जो उदाहरण है ये है प्रकाश वियोजन के उदाहरण, जिसमें एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में वियोजित हो रहा है। लेकिन किस प्रकार से वियोजित हो रहा है, ये सूर्य का प्रकाश या प्रकाश ऊर्जा ग्रहण करके, तब इसको कहेंगे प्रकाश वियोजन।
और जब यौगिक को उष्मा देने पर वह दो या दो से अधिक उत्पादों में वियोजित हो रहा है तो उसको कहते हैं उष्मीय वियोजन। और इसके बाद में है विद्युत वियोजन। यौगिक का जो विलयन है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह दो या दो से अधिक उत्पादों में वियोजित होता है तो उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। इसके उदाहरण है जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड तो 2Na+Cl2, यहाँ पे लिख देना विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन तीर के निशान के ऊपर। इसी प्रकार जल है 2H2+O2, विद्युत वियोजन। तीर का निशान है, ये गैसीय उत्पाद के लिए दर्शाया जाता है, यानी ये क्लोरीन गैस है। ये हो गया विद्युत वियोजन। यौगिक है सोडियम क्लोराइड है तो इसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह दो या दो से अधिक उत्पादों में या अपने अवयवों में विभक्त हो जाता है तो इसे विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन कहते हैं। एक उदाहरण सोडियम क्लोराइड का हो गया और एक उदाहरण जल का हो गया। जल का विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये मुक्त होती है। ये तीनों वियोजन अभिक्रिया के हो गए, तीनों प्रकार वियोजन अभिक्रिया के। तो संयोजन और वियोजन अभिक्रिया कंप्लीट हो गई है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक क्रियाकारक या अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद बनाते हैं। जबकि वियोजन में क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक या अभिकर्मक वियोजित होकर के दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है या दो से अधिक उत्पादों में वियोजित हो जाता है उसे कहते हैं वियोजन। और वियोजन के तीन प्रकार हो गए, उसमें वियोजन यौगिक को ऊष्मा देने पर अपने अवयवों में विभक्त होना उसमें वियोजन कहलाता है। विद्युत वियोजन यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपने अवयवों में विभक्त होना विद्युत वियोजन कहलाता है। प्रकाश वियोजन प्रकाश ऊर्जा ग्रहण करके यौगिक का छोटे छोटे अणुओं में या अपने अवयवों में विभक्त होना प्रकाश वियोजन कहलाता है। इसके बाद में है विस्थापन व द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन, विस्थापन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, विस्थापित होना। यौगिक के अंदर जो समूह है, कोई भी अणु परमाणु या समूह है, उसके स्थान पर दूसरा अणु परमाणु या समूह आ जाता है, यानी कम क्रियाशील जो अणु परमाणु या समूह है उसको हटा करके अधिक क्रियाशील अणु परमाणु समूह उसमें आ जाता है तो ऐसी अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी यौगिक के अणु परमाणु या समूह या आयन के स्थान पर दूसरे अणु परमाणु या समूह का आना विस्थापन तथा ऐसी अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रियाएं कहती हैं। और इसमें होता क्या है, इसमें अधिक क्रियाशील परमाणु अपने से कम क्रियाशील
परमाणु को विस्थापित कर देता है। इसका उदाहरण है कॉपर सल्फेट का विलयन है CuSO4 कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर हम जिंक के टुकड़े या दानेदार जिंक को डालते हैं तो जिंक ये जो कम क्रियाशील है कॉपर इसको विस्थापित कर देता है, इसको यहाँ से हटा देता है और जिंक इसके स्थान पर आ जाता है या इसका स्थान ग्रहण कर लेता है, यानी इसका रिप्लेसमेंट कर देता है, इसको विस्थापित कर देता है। तो क्या बन जाएगा, Zn है ये कॉपर को हटा देगा और कॉपर यहाँ जिंक है ये यहाँ पर आ जाएगा तो ZnSO4 बन जाएगा। जो बनता है उसको तीर के निशान के बाद में लिखते हैं, उत्पाद को तीर के निशान के दाहिनी ओर लिखा जाता है, प्लस Cu ये बनेगा जिंक सल्फेट। कॉपर सल्फेट में जो कॉपर था ये कॉपर विस्थापित हो गया, उसके स्थान पर जिंक आ गया और जिंक सल्फेट बन गया ZnSO4, कॉपर है जो विस्थापित हो गया उसको अलग लिख दिया। ऐसे अभिक्रिया होती है उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये प्रयोग भी है कि प्रकनली में दानेदार कॉपर सल्फेट की जो भरी हुई प्रकनली है या प्रकनली में थोड़ा कॉपर सल्फेट लेकर के और उसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डालते हैं तो क्या होता है, तो जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर विस्थापित होता है। इसी प्रकार से Zn प्लस H2SO4 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिंक है ये हाइड्रोजन है इसको विस्थापित कर देगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी और ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है क्या होता है जब सल्फ्यूरिक अम्ल से भरी परखनली में या परखनली में सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर के उसमें दानेदार जिंक डालते हैं या जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर क्या होता है, जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ये गैस है इसलिए ये तीर का निशान लगाया गया है गैस के लिए। ये है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इस प्रकार की अभिक्रिया है जिसमें एक तरफ तो क्या है पूरा यौगिक है और एक तरफ यहाँ पर क्या है कोई भी अणु परमाणु है ये है, तो ये क्या करता है यौगिक के अंदर जो कम क्रियाशील अणु या परमाणु है उसको विस्थापित कर देता है और उसके स्थान पर ये स्वयं आ जाता है और जो बनता है उसको फिर यहाँ लिख दिया जाता है। इसी प्रकार से एक और समीकरण है Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu। Fe आयरन फेरस लोहा ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन या लोहा डालती है तो क्या बनेगा, फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट बनेगा और कॉपर मुक्त हो जाएगा। इसमें क्या है ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, इसमें आयरन या लोहा डालते हैं तो ये इसका नीला रंग है और ये नीला रंग है कॉपर सल्फेट का और यहाँ पर ये FeSO4 बनेगा, यानी इसमें लोहा डालने पर आयरन डालने पर इसमें इसका नीला रंग है ये विलुप्त हो जाएगा और हल्का हरा अवक्षेप बनेगा, हल्का हरा अवक्षेप, फेरस सल्फेट का हल्का हरा अवक्षेप बनेगा। तो ये इस प्रकार की जो समीकरण है ये है विस्थापन अभिक्रिया की पहचान, पूछ लेते हैं इसमें समीकरण दे देते हैं और पूछ लेते हैं ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है वो है विस्थापन अभिक्रिया जिसमें एक तरफ तो है यौगिक और एक तरफ कोई भी अणु परमाणु है जो अपने से कम क्रियाशील को विस्थापित कर देता है। इसमें क्रियाशीलता का क्रम ध्यान रखना, जिंक सबसे ज़्यादा क्रियाशील है
उससे कम क्रियाशील है फेरस, उससे कम क्रियाशील है कॉपर, ये सर्वाधिक क्रियाशील है। अगर हम कॉपर को यहाँ लेंगे और आयरन को यहाँ लेंगे तो क्या अभिक्रिया होगी? ऐसी स्थिति में अभिक्रिया नहीं होती है। यदि हम कॉपर को इधर लेते हैं और FeSO4 को यहाँ पर लेते हैं तो CuSO4 प्लस Fe, ये अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि फेरस तो कॉपर की तुलना में ज़्यादा क्रियाशील है, फेरस ये ज़्यादा क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है। कम क्रियाशील अधिक क्रियाशील को नहीं विस्थापित करेगा, अधिक क्रियाशील है वही कम क्रियाशील को विस्थापित करता है। इसलिए ये इस प्रकार की अभिक्रिया ये होती है, ये ऐसी अभिक्रिया ये नहीं होती है। यानी जो कम क्रियाशील है वो अधिक क्रियाशील को विस्थापित नहीं कर सकता, अधिक क्रियाशील ही कम क्रियाशील को विस्थापित कर सकता है। इसके बाद में है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो द्वि का मतलब होता है दो, यानी रासायनिक अभिक्रिया में दो अभिकारक है और दो अभिकारकों के जो मूलक है धनायन और ऋणायन, इनमें परस्पर विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है। तो आदान प्रदान होकर के नए यौगिकों का निर्माण होता है, तो ऐसे अभिक्रियाओं को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जब दोनों अभिकारकों के परमाणु या समूह, रासायनिक अभिक्रिया में जब दोनों अभिकारकों के परमाणु या समूह है आपस में विस्थापित होकर नए यौगिकों का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रियाएँ द्विविस्थापन अभिक्रियाएँ कहलाती है। उदाहरण, जैसे NaOH प्लस HCl, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इसमें ये जो मूलक है तो ये तो है Na प्लस का होता है और हाइड्रोक्सिल ये माइनस का होता है OH, H प्लस का होता है, Cl माइनस का है। इसमें होगा क्या? दोनों अभिकारक है, दोनों अभिकारकों के परमाणु या समूह ये आपस में विस्थापित होते हैं, यानी ये Na है और यहाँ पर H प्लस है, Na यहाँ पर आ गया और H यहाँ पर आ गया, Na यहाँ पर आ जाएगा तो बन जाएगा NaCl, NaCl, और ये H यहाँ पर आ जाएगा तो H और OH यानी कि H2O, H OH को H2O लिखते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएँ हैं, ये होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, जो अभिकारक है, दोनों अभिकारक हैं, दोनों अभिकारकों के परमाणु या समूह आपस में विस्थापित हो जाती है
और नए यौगिकों का निर्माण करती है। ये सोडियम क्लोराइड है, NaCl और H2O, ये जल है। इसी प्रकार और उदाहरण है, AgNO3 प्लस HCl तो बनेगा AgCl प्लस HNO3। H Ag की जगह आ जाएगा तो HNO3 बन जाएगा, और Ag है ये H की जगह जाएगा तो AgCl बन जाएगा। जो बनता है उसको तीर के निशान के बाद में लिखते हैं। AgNO3 को बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, AgCl को सिल्वर क्लोराइड, और HNO3 को नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल HCl की जगह KCl भी ले सकते हैं। AgNO3 प्लस KCl तो बन जाएगा AgCl प्लस KNO3, और भी लिख सकते हैं इसके अंदर। जैसे कॉपर सल्फेट है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड है 2NaOH, तो ये इसमें क्या बनाएगा, Na2SO4 Na2SO4। ये यहाँ पर दो लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये दो सोडियम के भी हैं, ये दो OH के भी हैं। शुरू में दो लिखने का मतलब क्या है, दो परमाणु सोडियम के हैं, दो ही परमाणु ऑक्सीजन के हैं और दो ही परमाणु हाइड्रोजन के हैं। यानी OH भी कितने हैं, OH भी दो है, Na भी दो है, तो Na2SO4 एक तो ये बन जाएगा Na2SO4 और CuOH, लेकिन OH कितने हैं, दो है, तो उसको यहाँ ऐसे दो नहीं लिखेंगे, यहाँ कोष्टक में बंद करके फिर दो लिखते हैं इसको, CuSO4 प्लस 2NaOH, तो Na2SO4 प्लस CuOH का होल ट्वाइस। ये सोडियम सल्फेट और ये कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड। इसमें भी जो दोनों विकारक है इनके परमाणु या समूह है ये विस्थापित हो रहे हैं। दोनों तरफ यौगिक है और यौगिकों के अणु परमाणु है ये विस्थापित हो रहे हैं, इसका उस तरफ है और उसका इस तरफ आ रहा है, और दो नए यौगिकों का निर्माण हो रहा है। ऐसे अभिक्रियाओं को कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये विस्थापन और द्विविस्थापन में अंतर पूछ लेते हैं कि विस्थापन व द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है। तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी अणु परमाणु या समूह के स्थान पर दूसरा अणु परमाणु या समूह आता है तो ऐसी अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में जब दोनों अभिकारकों के परमाणु या समूह आपस में विस्थापित होते हैं या परस्पर विस्थापित होते हैं तो ऐसे अभिक्रियाएँ द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद में है, विस्थापन हो गया, द्विविस्थापन हो गया, फिर है मंद अभिक्रिया। मंद का मतलब है धीमी गति से होने वाली अभिक्रियाएँ। ऐसी अभिक्रियाएँ जिन्हें पूर्ण होने में कुछ घंटे, कुछ मिनट या कुछ वर्ष तक लग जाते हैं, ऐसे अभिक्रियाओं को मंद अभिक्रियाएँ कहते हैं। यानी ऐसे अभिक्रियाएँ जिन्हें पूर्ण होने में समय लगता है उन्हें मंद अभिक्रियाएँ कहते हैं। ये अभिक्रियाएँ मंद गति से होती है, धीमी गति से होती है, यानी इन अभिक्रियाओं को पूर्ण होने में काफ़ी समय लग जाता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को मंद अभिक्रियाएँ कहते हैं। इसका उदाहरण है
लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। अब जंग लगने के लिए वायु और जल दोनों आवश्यक है, नमी और लोहा। तो लोहा है तो उसको लिखेंगे 4Fe लोहा प्लस 3O2 ऑक्सीजन प्लस 6H2O जल, ये लोहा है। ऑक्सीजन जल यानी वायु और नमी दोनों की उपस्थिति में लोहे पर जंग लगती है। तो क्या बनता है, जंग लगती है, जंग का सूत्र क्या होता है, 2Fe2O3.3H2O इसको कहते हैं जंग। लोहे पर जो जंग लगती है उसका सूत्र है 4Fe। फेरस के कितने परमाणु है, ये दो है, दो को दो से गुणा करो, दो दूनी चार, ये चार हो गए। ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, तीर के निशान के इस तरफ देखो आप, ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, तीन दूनी छः, और इधर ऑक्सीजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के छः है। पहले भी आपको बता दिया कि शुरू में जो शब्द लिखा हुआ है तो वो यौगिक में जो भी परमाणु है सभी के लिए है, छः लिखा हुआ है इसका मतलब छः ये हाइड्रोजन के लिए भी है, छः ऑक्सीजन के लिए भी है। तो ऑक्सीजन के छः इधर हो गए और तीन दूनी छः इधर हो गए, छः और छः 12 हो गए। तीर के निशान के उस तरफ भी 12 होने चाहिए, तो ये O3 यानी तीन तो O है ये, और तीन को दो से गुणा करेंगे तो तीन दूनी छः हो जाएगा, और ये तीन दूनी छः ये हो गया, तो ऑक्सीजन के 12 हो गए। आयरन के 4 हो गए, ऑक्सीजन के 12 हो गए, हाइड्रोजन के इधर 3×6 है, और 6 को 2 से गुणा करो तो 12 हो जाएंगे, और इधर हाइड्रोजन के 6×12, इसको अभिक्रिया को संतुलित करना कहते हैं। तो ये मंद गति अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार एक हमने पहले भी पढ़ लिया था वियोजन अभिक्रिया में, या उसमें वियोजन में दूसरा उदाहरण है कि पोटेशियम क्लोरेट 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट को गर्म, ये गर्म करती है तो 2KCl प्लस 3O2 पोटेशियम क्लोराइड बनता है। ये भी मंद गति अभिक्रिया का उदाहरण है। और एक उदाहरण और है CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल प्लस C2H5OH C2H5OH तो ये बन जाएगा C2H5OH को एथेनॉल कहते हैं, तो ये बन जाएगा CH3COO, ये आ जाएगा CH3COO, और ये आ जाएगा C2H5 प्लस, बच गया क्या यहाँ पर, इधर OH बच गया और इधर H बच गया, OH और H को बोलते हैं H2O जल। CH3COO C2H5 इसको बोलते हैं एस्टर, एथिल एसीटेट या एस्टर। ये इसमें इम्पोर्टेंट है, एक नंबर और तीन नंबर। ये मंद गति अभिक्रिया के उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना है, एस्टर का निर्माण एक मंद गति अभिक्रिया का उदाहरण है जिसमें एसिटिक अम्ल और एथेनॉल की अभिक्रिया कराते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है, और पोटेशियम क्लोराइड का वियोजन करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड का वियोजन करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन ये उत्पाद प्राप्त होती है, ये भी एक मंद गति अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके बाद में आता है तीव्र गति अभिक्रिया। तीव्र गति अभिक्रिया के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं, नोट्स को आप कॉपी में लिखते रहना और वीडियो को अच्छी तरह से सुनना, समझना। इसको एक बार समझ में नहीं आने पर आप वीडियो को और देखना, दो तीन बार देखना, और उसके बाद में फिर नोट्स है उनको आप लिखना, और जो ऑनलाइन क्लास है इनका फ़ायदा उठाइए आप। धन्यवाद।